हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हर कोई सैंपल पेपर से पढ़ने की सलाह जरूर देता है, क्योंकि सैंपल पेपर से आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन सब के बारे में पता चल जाता है। और काफ़ी स्टूडेंट्स सैंपल पेपर खरीद कर उसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते भी हैं, लेकिन उन्हें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता जितना उन्हें मिलना चाहिए था या फिर मिलने का दावा किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स सैंपल पेपर को एक चैप्टर की तरह या फिर एक बुक की तरह पढ़ते हैं, जो कि एकदम गलत तरीका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सैंपल पेपर्स को यूज़ करने का वो प्रैक्टिकल तरीका क्या है जिससे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आते हैं। अगर आप बताए गए मेथड से सैंपल पेपर्स को यूज़ करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। तो क्या है वो तरीका, जानने के लिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सैंपल पेपर्स पढ़ने के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिस के लिए होते हैं और उन्हें सिर्फ एग्ज़ाम से एक से डेढ़ महीने पहले करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इस वक्त तक आपका ज़्यादातर सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है और रिवीजन भी कुछ सब्जेक्ट्स की कंप्लीट हो चुकी होती है। इसलिए आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट के सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है जिसका सिलेबस आपकी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। आपको सैंपल पेपर ऐसे सॉल्व करना है जैसे एक्चुअल में आप एग्ज़ाम दे रहे हों। 3 घंटे का समय निकाल कर एक ऐसी जगह चुने जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता हो, फिर टाइम सेट करके आप सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एक्चुअल में एग्ज़ाम्स में आंसर्स लिखते हो। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उन्हें स्किप करते हुए 3 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। इस बात का ध्यान रखें कि आपको चीटिंग नहीं करनी है, जितना आता है उतना ही करें और जो नहीं आता है उसे अच्छे से करने की कोशिश करें। और जैसे ही 3 घंटे का टाइम ख़त्म हो आपको वहीं रुक जाना है और अपने आप उन सभी आंसर्स को चेक करना है जो आपने लिखे हैं, साथ ही मार्क्स भी देने हैं। इसके लिए आप सैंपल पेपर्स की हेल्प ले सकते हो क्योंकि उसमें मार्किंग स्कीम भी दी हुई होती है। इससे आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है और आगे आपको कैसी तैयारी करनी है, कितना आपको आता है और कितना आपको नहीं आता है। फिर उस सैंपल पेपर्स के वो सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से लर्न करने हैं जो आपको नहीं आते थे। ऐसा करने से आपको वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से लर्न हो जाएंगे जो उस सैंपल पेपर्स में थे, और एग्ज़ाम में अगर उसमें से कुछ आता है तो आप इजीली उसको लिख पाएंगे, क्योंकि सैंपल पेपर्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस वही होते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो इस तरह से आपको हर सब्जेक्ट के कम से कम 5 सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। इतना करने के बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको कितनी बड़ी हेल्प मिली है। तो आप इस तरह से सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस कीजिए और फिर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको प्रैक्टिस करके कितनी हेल्प मिली। इसी के साथ ही ये वीडियो होता है ख़त्म। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू।